केजरीवाल की मंत्री आतिशी ने कहा सीएम केजरीवाल बने रहेंगे दिल्ली के सीएम, इस्तीफा देने का औचित्य नहीं, उन्हें जेल भेजकर बीजेपी लगाना चाहती है राष्ट्रपति शासन। अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले एक महीने में ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आतिशी ने कोर्ट में ईडी के अपने और सौरभ भारद्वाज के नाम का जिक्र करने पर कहा अब ईडी के निशाने पर है पार्टी की नेक्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप, चार नेता हैं निशाने पर ईडी के। वो मुझे गिरफ्तार करेंगे, वो सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करेंगे, वो दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करेंगे और वो राघव चड्ढा को गिरफ्तार करेंगे। आतिशी ने कहा जल्द मेरे घर पर पड़ सकता है छापा, करीबी के जरिए मुझे भेजी गई सूचना, या तो बीजेपी में आ जाओ या जेल जाओ, लेकिन मैं किसी धमकी से डरने वाली नहीं। शराब घोटाले में नहीं मिली अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से राहत, 15 अप्रैल तक तिहाड़ जेल में रहेंगे सीएम केजरीवाल, कटी जेल में पहली रात। केजरीवाल तिहाड़ जेल के जेल नंबर 2 में रह रहे हैं अकेले, 15 दिन लगातार कई कैमरों की निगरानी में सीएम केजरीवाल। सूत्रों के हवाले से खबर, केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में घर का खाना खाया, हफ्ते में 2 वीडियो कॉल कर सकते हैं सीएम। जेल से सरकार चलाने के सवाल पर तिहार के पूर्व पीआरओ सुनील कुमार गुप्ता ने कहा यह बेहद चुनौतीपूर्ण होगा। केजरीवाल को जेल भेजे जाने पर बोली पत्नी सुनीता केजरीवाल, देश की जनता इस तानाशाही का देगी जवाब। मंत्री सौरभ भारद्वाज जल्द करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, रखेंगे अपना पक्ष। सीएम पद से केजरीवाल के इस्तीफे न देने पर बीजेपी का अनोखा तर्क, बीजेपी के मुताबिक केजरीवाल चाहते हैं दिल्ली में लगे राष्ट्रपति शासन, पार्टी के किसी और के सीएम बनने पर बढ़ेगा उनका कद। वो चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो और दिल्ली में राष्ट्रपति राज लगे, ताकि आम आदमी पार्टी का कोई मुख्यमंत्री और ना बन सके। उनकी धर्मपत्नी नहीं बन पा रही क्योंकि उनकी धर्मपत्नी एमएलए नहीं है और 6 महीने में चुनाव जीतना जरूरी है, चुनाव कहीं हो नहीं रहा। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने केजरीवाल के जरिए कांग्रेस को घेरा, कहा यह गठबंधन नहीं ठगबंधन है, कल की रैली से देखकर साफ हो गया कि इनकी आगे भी लूटने की तैयारी है। कर्नाटक में चुनावी कैंपेन लॉन्च करेंगे अमित शाह, जेडीएस के साथ मिलकर शाह कैंपेन की शुरुआत करेंगे। गठबंधन इंडिया पर अमित शाह का वार, कहा कितने भी दल जुटा लो आएगा तो मोदी ही। शून्य प्लस शून्य बराबर शून्य ही होता है, कितने भी दल इकट्ठा कर लो आएगा तो मोदी ही आएगा। 2 दिन के मध्यप्रदेश दौरे पर जेपी नड्डा, जबलपुर में सुबह 11:30 नड्डा का प्रबुद्ध सम्मेलन, शहडोल में दोपहर 2 बजे जनसभा। अलीगढ़ से बीजेपी उम्मीदवार सतीश गौतम ने किया नामांकन, निकाला भव्य रोड शो, दिया नारा सबका साथ सबका विकास, अब की बार 400 पार। कांग्रेस उम्मीदवार डॉली शर्मा ने गाजियाबाद से किया नामांकन, मेट्रो विस्तार, पानी की निकासी, हर जिले में मेडिकल कॉलेज और डिग्री कॉलेज का उठाया मुद्दा। सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, पिछली सरकारों में सिर्फ गुंडे सुरक्षित थे लेकिन आज गुंडे असुरक्षित, जनता सुरक्षित। अपराधियों पर कार्रवाई में डर लगता है या नहीं, मीडिया के सवाल पर बोले योगी, जनता की सुरक्षा में मेरी सुरक्षा निहित। गुंडे पहले सुरक्षित थे, आज वे असुरक्षित हुए हैं और जनता जनार्दन, बेटी हो व्यापारी हो जनता। समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव ने मुख्तार अंसारी के परिजनों से मुलाकात की, उठाया मुख्तार की मौत का मुद्दा, कहा परिजनों का मानना है मुख्तार की मौत स्वाभाविक नहीं। परिवार के लोगों को पूरी की पूरी शंका है कि उनकी ये स्वाभाविक मृत्यु नहीं है, जिस बीमारी का हवाला दिया जा रहा है वो बीमारी स्वाभाविक नहीं है। मेनका गांधी के बेटे वरुण की आगे की राजनीति पर कहा ये उनसे पूछिए कि वो क्या करेंगे, बाद में बोली अभी बहुत समय है पहले इलेक्शन होने दीजिए। आगे वरुण जी क्या करेंगे पॉलिटिक्स? अभी उनसे पूछिए बेटे, कोई माप मानता है उनकी, फिर भी आप उनसे पूछिए, इलेक्शन के बाद देखते हैं, लंबा समय है। क्या वरुण गांधी को बीजेपी रायबरेली से दे सकती है टिकट? मीडिया के सवाल पर मेनका गांधी ने कहा मुझे इसकी जानकारी नहीं। गांधी परिवार के एकजुट होने पर सवाल पर मेनका का दो टूक, कहा मैं बीजेपी में हूँ, बहुत खुश हूँ। एक सवाल के जवाब में मेनका ने खुद को बताया छोटी बाहुबली। सपा से जो प्रत्याशी हैं वो खुद को बाहुबली के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं समाज में, पिछली बार भी छोटे बाहुबली हैं। बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव को दी चुनौती, कहा कन्नौज से भागे नहीं है, मैं चाहता हूं यही चुनाव लड़े, फिलहाल कन्नौज से एसपी नेता तेज प्रताप को टिकट देने की है चर्चा।
रेवती रमन की बेटी और समाजवादी पार्टी के नेता उज्ज्वल रमन सिंह आज कांग्रेस में होंगे शामिल। प्रयागराज से हो सकते हैं कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार। अब मुरादाबाद रामपुर के बाद समाजवादी पार्टी ने मेरठ में बदला उम्मीदवार। भानु प्रताप का टिकट काटा। मेरठ से विधायक अतुल प्रधान को बताया लोकसभा का प्रत्याशी। समाजवादी पार्टी में लगातार बदले जा रहे उम्मीदवारों के नाम। बीजेपी ने कसा तंज। कहा राज्यसभा चुनाव से ही सामने आ चुकी है एसपी की अंदरूनी कला। समाजवादी पार्टी आज कोई प्रत्याशी तय करती है तो कल कोई तय करती है, परसों कोई तय कर देती है। उनके यहां तो मैं कहूं कि राज्यसभा चुनाव के समय से उनका उनकी पार्टी का अंतर कलह उत्तर प्रदेश में उजागर हो चुका था। बुधवार को वायनाड से नामांकन भरेंगे राहुल गांधी। केरल के सीएम ने वायनाड से चुनाव लड़ने पर राहुल गांधी पर साधा निशाना। बीजेपी विरोधी दलों की एकता में दरार। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कांग्रेस पर लगाया आरोप। दिल्ली शराब आबकारी नीति मामले में ईडी जांच की मांग। सभी वीवीपैट पर्चियों की गिनती करने की सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर चुनाव आयोग ने जारी किया नोटिस। कांग्रेस ने कहा महत्वपूर्ण कदम। कच्चा थीवु द्वीप को लेकर बीजेपी और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक। बीजेपी नेता अनमलाई का दावा केंद्र श्रीलंका को कच्चा थीवु को वापस लेने के लिए कर रहा था हर संभव कोशिश। अमित शाह का लोकतंत्र की हत्या वाली टिप्पणी पर राहुल गांधी का हमला। कहा राहुल को लोकतंत्र के बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं, उनकी दादी ने आपातकाल लगाया था। प्रधानमंत्री आवास पर बीजेपी की हुई अहम बैठक। अमित शाह जेपी नड्डा अश्विनी वैष्णव और विनोद तावड़े रहे मौजूद। आज प्रधानमंत्री मोदी उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में करेंगे चुनावी रैली और शाम में राजस्थान के कोटपुतली में भी करेंगे प्रचार। बिहार के बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के भ्रष्टाचार वाले बयान का राहुल ने दिया जवाब। कहा असम से लेकर महाराष्ट्र तक भ्रष्टाचार की फ्रेंचाइजी बांट रहे हैं मोदी। रामलीला मैदान में राहुल गांधी के दिए बयान की चुनाव आयोग से केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने की शिकायत। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष का पलटवार। चुनाव आयोग के पास जाने की क्या जरूरत थी, उन्हें ही बुला लेते। महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया छगन भुजबल को झटका। आरोप मुक्त करने के विरोध वाली याचिका को लेकर जारी किया नोटिस। ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में पूजा पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। मुस्लिम पक्ष ने दायर की थी याचिका। अब जुलाई के तीसरे हफ्ते में सुनवाई। धार की भोजशाला में एएसआई का वैज्ञानिक सर्वे जारी। सुप्रीम कोर्ट ने भोजशाला मंदिर में सर्वे पर रोक लगाने से किया इनकार। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले की सुनवाई अब 4 अप्रैल को। हिंदू पक्ष के वकील रखेंगे अपने दलील। संदेश खाली मामले में शाहजहां शेख को 13 दिनों की कस्टडी में ईडी कस्टडी में भेजा गया। ईडी ने कोलकाता के स्पेशल कोर्ट में किया था पेश। जलपाईगुड़ी में चक्रवाती तूफान से 5 की मौत। 800 से ज्यादा घरों को पहुंचा नुकसान। 300 घायल। ममता बनर्जी ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया। पीड़ितों से की मुलाकात। ममता के दौरे पर बीजेपी ने उठाए सवाल। असम में भारी बारिश और तूफान को लेकर सीएम हेमंत बिस्वर्मा का ट्वीट। हम लगातार मौसम के हालात पर रखे नजर। खराब मौसम से 45 गांव प्रभावित। हमें इसका खेद है। भारत में मार्च के महीने में 1,78,000 करोड़ का हुआ जीएसटी कलेक्शन। इस साल का दूसरा सबसे बड़ा कलेक्शन। भिलाई की केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। हुआ भारी नुकसान। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू। इंदौर में नाबालिग लड़की किडनैप करने की कोशिश। ट्रैफिक पुलिस की सतर्कता से बदमाश पकड़े गए। राजस्थान की करौली में अचानक गेहूं की फसल में लगी आग। लाखों की फसल जलकर खाक। आंध्र प्रदेश के रनपुर में 1.31 करोड़ रुपए की बेहिसाब नकदी जब्त। पुलिस ने इनकम टैक्स विभाग को सौंपे नोट।